नमस्कार बच्चों, हमारा एक पाठ पूरा हो गया है। हम पढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है हमारा मियां नसीरुद्दीन, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। तो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्णा सोबती के विषय में, उनका परिचय और पाठ का सार। तो आइए चलते हैं, देखते हैं लेखिका का परिचय। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, इनका जन्म 1925 को गुजरात पश्चिमी पंजाब, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, ये कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण हैं। इनके इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं, पुरस्कार। इनके प्रमुख सम्मान इनको जो मिले हैं वो है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। यानी इनका जो जिंदगी नामा है वह झूठा सच, ये जो कालजयी रचनाएं हैं उनके बिल्कुल समकक्ष आता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। हम हशमत जो है एक विशिष्ट संस्मरणात्मक लेख है, जिसमें इन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन करके एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। इनकी जो कृतियां हैं उनमें संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ मौजूद है। यानी इनकी रचनाओं में तत्सम, उर्दू, पंजाबी, ये सभी भाषाओं के शब्द दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें इन्होंने खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो ये कृष्णा सोबती का परिचय था। आइए अब हम देखेंगे पाठ का सार। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती के हम हशमत नामक गद्य संग्रह से संकलित मियां नसीरुद्दीन एक बड़ा सज और मनोरंजक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहां से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा, शायद सेवइयां की तैयारी होगी, पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के
मसीहा कहे जाने वाले व 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। नानबाई मतलब जो रोटियां बनाने में प्रवीण होते हैं उनको कहते हैं नानबाई, जो रोटियां बनाते हैं। मियां अंदर की चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे, यानी बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नसीरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहां से सीखा, इस पर वे अपनी बेपरवाह वाले अंदाज में उसे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा है, वही उनके गुरु थे। मियां नसीरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़िया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके दादा साहेब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। लेखिका के द्वारा मियां नसीरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे उन्हें बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है, जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है। अलिफ मतलब ABC, आ आ, ठीक है, इस तरह से, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमाती, जमाती मतलब कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं, तभी कोई हुनर अच्छे से आ सकता है। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। अब लेखिका को वो खानदानी बड़प्पन का गर्व महसूस कराते हैं। लेखिका द्वारा अन्य नानबाइयों के विषय में पूछने पर मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहां अन्य नानबाई अवश्य हैं, किंतु खानदानी नहीं। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि बादशाह ने उनसे ऐसी चीज बनाने के लिए कहा, लेकिन क्या बनाया ये उन्होंने नहीं बताया। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। कुएं में रोटी बना सकता है, इसका क्या मतलब है? जब वो उस पर एक प्रश्न पूछती है तो वो भड़क जाते हैं। लेखिका जब उनसे यह पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम ना जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका के द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींच कर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, यह कहकर उसकी बातों को टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें झूठ सच का भी पुट वो देते हैं। लेकिन फिर बाद में जब वो बात करते हैं लेखिका से, तो शौक और उनकी जो हुनर का कद्र है, उसका जो अभाव है समाज में, उसका दर्द भी झलकता है। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसीरुद्दीन बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं, बब्बन मियां जो उनके यहाँ सहायक है। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वो कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और उनके कारीगरों के विषय में बातें करने लगी। मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपए मन आटे की व 4 रुपए मन मैदे की मजूरी देते हैं, यानी आटे की रोटियां बनती हैं तो 1 मन आटे की रोटी बनाने का उन्हें 2 रुपया
और मैदे की रोटी बनती है तो 4 रुपए उसकी मजदूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकरखानी, शीरमाल, ताफतान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की काफी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वह पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के जमाने जैसा खाने पकाने का शौक अब किसे है, ना तो लोगों को यह शौक है और ना उन चीजों की कद्र। आज के जमाने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तो इस तरह से मियां नसीरुद्दीन अपने खानदानी पेशे पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, वो उनकी बातों से झलकता है और वहीं उनके शौक का कद्र नहीं है, उनके हुनर का कद्र नहीं है, इसका दर्द भी इसमें झलकता है लेखिका से बात करते हुए। तो ये था मियां नसीरुद्दीन पाठ का सार। आप पाठ पढ़ करके सार से काफी कुछ समझ गए होंगे। आप पूरा पाठ पढ़ेंगे किताब से, उसके बाद में आपको भली प्रकार से समझ आ जाएगा। तो अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।